नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टॉपर्स नोट्स के बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग के जीएस पेपर वन भाग चार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बुक का दोस्तों हम रिव्यू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये कंप्लीट एक सीरीज आता है जिसमें आपको 11 बुक देखने को मिलेंगे। जीएस पेपर वन में आपको 4 पार्ट देखने को मिलेंगे, वही जीएस पेपर टू में आपको 6 पार्ट देखने को मिलेंगे। और ये सभी बुक आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये बुक देखने को मिल जाएंगे। टोटल 3200 रुपये एमआरपी है और आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया। और सभी बुक का पीडीएफ सैंपल के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको इन सभी बुक का पीडीएफ सैंपल मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम बात करते हैं टॉपर्स नोट्स के बीपीएससी के जीएस पेपर वन भाग चार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बुक का के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, ये सभी बुक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आप इस बुक से अंतिम समय में बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी कर सकते हैं। ये सभी बुक लेटेस्ट एडिशन है, मई 2023 का ये एडिशन है। और एक बुक का जो एमआरपी है दोस्तों, आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, जिसपे अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे विषय सूची को देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, जिसमें भारत की विदेश नीति का विकास हो गया, भारत और उसके पड़ोसी देश हो गए, भारत और अमेरिका संबंध हो गया, भारत और रूस संबंध हो गया, उसके बाद भारत और पश्चिमी एशिया हो गया, भारत और मध्य एशिया हो गया, उसके बाद भारत और दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, भारत और यूरोप संबंध हो गया, भारत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो गया, उसके बाद वैश्विक समूह हो गया। तो कुल मिला के 10 अध्याय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कवर किया गया है, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे नंबर ऑफ पेज के बारे में पहले बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ पेज आपको 126-127 पेज देखने को मिलने वाले हैं। बुक दोस्तों कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है। और ये जो नोट्स है दोस्तों, ये तैयार किया गया है बीपीएससी के टॉपर्स और जो एक्सपर्ट टीचर हैं उनके सहायता से इस नोट्स को तैयार किया गया है, टू द पॉइंट, मतलब आपके एग्जाम के सिलेबस को कवर किया गया बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। फोकस स्टडी मटेरियल आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि एक ऐप भी है इनका, जिससे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, इनके ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे जाके आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज और इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम के बारे में टॉपिक वाइज आपको विश्लेषण देखने को मिलेगा। साथ में आप रैंक प्रेडिक्टर के साथ साथ आप टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी बना सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अब दोस्तों आप देखेंगे पहला अध्याय आप दोस्तों देखेंगे एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। पहला अध्याय है भारत की विदेश नीति का विकास। क्यूआर कोड के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में आप जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो देख सकते हैं, इस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारी है वो आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारा कुछ आप देख सकते हैं इनके एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले प्राचीन विदेश नीति है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट में समझाया गया है, टू द पॉइंट समझाया गया है। उसके बाद रामायण और भारतीय विदेश नीति, हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ फिगर के माध्यम से, माइंड मैप के माध्यम से समझाने की इन्होंने कोशिश की है। प्रिंटिंग क्वालिटी और पेपर क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, हर एक टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में, मतलब लंबा नहीं खींचा गया है। कोई भी टॉपिक आप दोस्तों देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट है उसको इस तरह से बॉक्स में बताया गया है, ठीक है। और टॉपिक को बिल्कुल शॉर्ट में समझाया गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सारे टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। और ये इस बुक को देखने के बाद दोस्तों आपको एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी को इससे मतलब एनसीईआरटी को भी एनसीईआरटी के सिलेबस पे आधारित ये बुक है। बीपीएससी के हिसाब से इस नोट्स को तैयार किया गया है, ठीक है। भारत और उसके पड़ोसी देश अगला एक्सरसाइज है दोस्तों। हर एक एक्सरसाइज के अंत में आपको एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये टॉपिक जैसे ये भारत अफगानिस्तान टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड आपको अलग से क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ दोस्तों देखेंगे नेबरहुड फर्स्ट नीति, उसके रिगार्डिंग आपको क्यूआर कोड देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको मैप देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको माइंड मैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैप है दोस्तों बिल्कुल क्लियर है और बहुत ही सिंपल तरीके से सारा कुछ यहाँ समझाया गया है, ठीक है। आपको ये जो सब्जेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल बना देगा ये नोट्स है, तो इस नोट्स को ज़रूर परचेज कीजिए दोस्तों। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान संबंध हो गया, उससे रिलेटेड क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा। भारत और रूस संबंध हो जाएगा,
ठीक है, ऐतिहासिक संबंध हो गया, सोवियत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा, सारा कुछ आप दोस्तों देख सकते हैं इस नोट्स के माध्यम से, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी कुछ कवर कर सकते हैं। भारत और इजराइल के बीच में संबंध कैसा है वो देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था देखने को मिलेगा, यूएनओ हो गया, सारे कुछ के सारे संस्था के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग वीडियो भी आप दोस्तों देख सकते हैं, इससे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद आप पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं इनके एप्लीकेशन पर जाने के बाद। संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है कि एजेंसी को आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ को समझाया गया। और यहाँ जो जो इम्पोर्टेंट टेबल का कलेक्शन है, एक्स्ट्रा जानकारी भी दोस्तों आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। बुक दोस्तों काफ़ी अच्छा है। भारत यूरोप का संबंध हो गया, चैप्टर 8 है, ठीक है, हर एक देश के साथ भारत का संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संस्था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, सारा कुछ आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। वैश्विक समूह हो गया, G20, G7, G8 है, उसके बारे में डिटेल जानकारी दोस्तों देखने को मिलेगा। सिंपल लैंग्वेज में सारा कुछ आपको समझाया गया है, परफेक्ट नोट्स है दोस्तों आप BPSC के तैयारी के लिए। और ये एग्जाम वाइज नोट्स आता है, जैसे ये BPSC हो गया, SSC CGL हो गया, मतलब जो भी एग्जाम होते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के, सभी के लिए टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये नोट्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है इनका, तो इसे आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।